उज्जैन के बड़नगर के सरस्वती स्कूल के बाद अब उज्जैन के गौंसा गांव के सरकारी स्कूल से बच्चों से काम कराने और मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें शिक्षक ने कैमरे पर खुद स्वीकारा है कि हाँ, उन्होंने बच्चों की पिटाई की है। उज्जैन जिले में अब तक स्कूलों में मारपीट करने वाले कई मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बार उज्जैन के गौंसा गांव के सरकारी स्कूल से बच्चों के साथ पूरी तरह मारपीट करने का मामला सामने आया है। यहां तक कि छात्रों की माने तो अधिकारियों को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी सरकारी स्कूल की प्राचार्य समता जैन ने दी है। आठवीं में हूं मैं और रवि नाम है मेरा, और है ना वो अभी जन्म हुआ था ना 26 15 अगस्त, तो है ना उस पे ना उनने कहा था कि नहीं कोई भी सर आए ना तो उनको कुछ बोलना मत, नहीं तो है ना जिंदों को मार डालेंगे। अच्छा, कौन बोलता है ऐसा? जैन दी। कौन है ये? मैडम। अच्छा, और मारपीट भी करते हैं आपके साथ? हाँ। कैसे मारते हैं? ना नग्गा करके मारते हैं। है ना वो दो तीन जने मस्ती कर रहे थे ना तो सबको मारते हैं डंडे से, स्केल से। मतलब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे कितने बजे लगता है हमारा स्कूल? 11 बजे। तो 1 बजे तक हमको क्या कहते हैं कि बाथरूम करने जाना, 1 बजे बाद जाना। रेस्ट होती है कि 2 घंटे की छुट्टी मिलती है। हाँ, रेस्ट होती है। हाँ। और हमसे यहाँ पोछा भी लगवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं। मतलब हम आते हैं तो कहते हैं कि तेरी बारी आज झाड़ू निकालने, तू झाड़ू निकाल। काम कैसे और कैसे मारते हैं यहाँ पर? डंडे से। मतलब कोई मस्ती करता है एक तो सबको पड़ती है। वहीं कक्षा 7वीं और 8वीं की छात्राओं ने बताया कि स्कूल आने पर झाड़ू पोछा लगवाए जाते हैं। जिस दिन जिसकी बारी होती है उस दिन उसे झाड़ू पोछा लगाना होता है। हमसे ना रोज झाड़ू कचरा निकालते हैं। 15 अगस्त के एक दिन पहले हमको ये धमकी दी थी क्लास में कि ये अधिकारी आएंगे, अगर किसी ने कुछ भी बोला है तो ऊपर पोछा देंगे। कौन बोलता है? वो अंदर जैन दी प्रिंसिपल मैडम। ये और क्या करते हैं, किस तरह से मारपीट करते हैं आप लोगों को? एक मस्ती करते हैं, देख के साथ सबको मारते हैं। कैसे मारते हैं? ये छड़ी से। किस तरह की धमकी देते हैं? कि अगर माँ बाप को जाके बोला तो सीधा ऊपर पहुँचा दूंगी, और अगर बाथरूम के पास दिखे हो तो टुकड़े कर दूंगी। मेरे बच्चे को 8 दिन पहले भी इनने मारी थी, 3 दिन से सलंग मारे, 1-1 दिन छोड़ के। और बच्चे सब मार दिलवाते हैं, मैं आके बोल के गई यहाँ पे तो बोले कि अब नहीं होएगा। और अब फिर इनने मेरे बच्चे का, मेरे जेठ का लड़का है जिसके छोरे को मारा, तो उसके कुल्ले सूज गए और अभी भी उसके कुल्ले सूजे, अस्पताल गया है वो दवाई लेने। कौन मारता है इनको? ये जैन मैडम मारती है, क्या मालूम क्यों मारती है। और बच्चे उनको बोलती है, बोले कि तेरे ससुराल जाएगी, तेरे सास मारेगी, क्या तेरे माँ को आके बोलेगी क्या? और बोले कि तुम तैयार होके ऐसे आते हो, लाली लिपटिस करते हो, तो क्या बच्चे ऐसे गंदे आते हैं यहाँ पे स्कूल में? गंदे आएंगे उसमें भी बोलोगे आप? तो पूरे मामले पर स्कूल के प्राचार्य से जब चर्चा की गई तो समता जैन ने कहा कि आसपास जंगल जैसा माहौल है, इसलिए कक्षा में सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े आते हैं। जाते वक्त बच्चों से टाट पट्टी घड़ी कर रखने को कहते हैं, वहीं बच्चे अगर गलती करते हैं तो कई बार मारते भी हैं। सर, पहली बात तो ये कि साफ सफाई की बात रहती है तो यहाँ पर सांप बिच्छू का बहुत टेंशन है, इधर है इधर है। सिर्फ हम उनसे ये कहते हैं कि हमारे यहाँ प्यून नहीं, कि जाते वक्त अपनी टाट पट्टी उठा के जाइए ताकि 1-2 बार यहाँ पर टाट पट्टी के नीचे सांप वगैरह निकले। मैंने 1-2 बार पकड़े यहाँ पर, आसपास वाले भी जानते हैं। इसलिए बच्चों से किया जाता है कि टाट पट्टी उठा के रख के जाओ टेबल पे, ताकि इसके नीचे कोई अब कोई ऐसी हो नहीं जाए। और ये शिकायत तो मैंने सरपंच महोदय से भी करी अभी कि इधर उधर सब जो गाँव ग्रामीण लोगों का अटला रखा रहता तो सांप वगैरह आते, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं। ग्रामीण जनों का भी इसी तरह का कहना है, बहुत सारा ग्रामीण जन इकट्ठे हुआ, उनका वीडियो भी वायरल हुआ। जी, तो क्या कहना है इसमें? क्या ही कहा, कल 4 दिन पहले की बात के विषय में भी है, तो उससे पहले यही हुआ कि जैसे बच्चे शरारतें करते हैं, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें होती जब बच्चों अति लोड रहता है, तो मैंने सभी बच्चों को डांटा करा था, कुछ बच्चों को पीछे पेट के यहाँ पे, तो कुछ बच्चों को मारा भी था, क्योंकि सुन नहीं रहे थे तो मानना पड़ता है। आपने भी कही होगी आपके शिक्षक को कि मार, नहीं सभी ने कही, मैंने भी कही होगी। पर उनका कहना है कि उनको नंगा करके मार। इम्पॉसिबल, आप ये बात तो वे आप सर 8th स्टैंडर्ड के बच्चे, आजकल तो छोटा सा 3 साल का बच्चा भी कपड़े उतारने में शर्माता है। मैंने किसी बच्चे को नंगा करके नहीं मारा, और क्यों मारूंगी सर? इतनी तो मैं भी है कि सभ्यता, मैं भी कोई आदि मानव काल से नहीं आई कि मैं बच्चों को नंगा करके मारूंगी। शिकायत आने के बाद उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी और SDM को जांच के आदेश दिए हैं।
आपके द्वारा ये मामला मेरे संज्ञान में भी लाया गया है और इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि उसकी वो विधिवत जांच करेंगे। SDM भी एक टीम भेजकर उसकी जांच करा लेंगे। अगर ये सत्य पाई जाती है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। गौंसा गांव के सरकारी स्कूल प्राचार्य समता जैन की मारपीट वाली शिकायत मिलने के बाद उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने शिक्षा विभाग के DEO को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आवश्यकता पड़ने पर SDM जांच भी करवाने की बात कही है। अब देखना होगा कि प्राचार्य पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग किस तरह की कार्रवाई करता है। उज्जैन से क्राइम भाषी के लिए अमृत बैनवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्राइम भाषा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।